वेलकम बैक जी। खबर है कि लेमोजीन पर बारात लेकर आने वाला खाना बदोश दुल्हा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। बड़ी आखर आई है जी ना फकीरन। 1.5 लाख रुपया इसने खर्च किया सिर्फ लिमो पे, और फुकरे मांगते हैं जगह जगह से, एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं। वो जो कॉइन्स नहीं होते ठीपे सर, हाँ जी वो ठीपे इकट्ठे करने वाले। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं कि आपका ये रिस्क है अगर, और आपको खुद गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, और आपने ज़रूर मांगना है, चलो ठीक है। लेकिन 1.5 लाख रुपया लिमो पे खर्चा, पूरे बारातियों को लग्जरी गाड़ियाँ, 20 लग्जरी गाड़ियाँ, माय गॉड, और दोनों पार्टियों ने, लड़की वालों ने लड़के वालों ने मिलकर 800 बंदों को इंतहाई लैविश खाना खिलाया। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਆਖਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਸਲੀ ਇਹ ਸਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਯੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈਏ, ਭਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦਣ ਦੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਸੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਰੋਨ ਪੇ ਡਰੋਨ ਮੰਗਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਡਰੋਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਮਨਹੂਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਡਏ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, 70,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਗਾ ਗੂ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਰਗਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਵਾਂ ਪੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਥੀ ਬਈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵਾਂ ਪੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿੰਗਰਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਤੁਮਸੇ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਮਨਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਲਾਡੋ ਸੇ ਪਾਲਾ, ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਨਾ ਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਓ ਬਾਊ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਵਾ ਦਈਏ। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇ ਇਲਮ ਫੈਲਤਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ये फकीर बहुत ज्यादा माशरे में बढ़ते नहीं जा रहे। ये गदागर हैं और बैगिंग तो कानूनी तौर पे जुर्म है, इनको तो अंदर करना चाहिए। इंडिया सोना तेरा रंगे मानना, तू रोज का 2,000 कमाऊंगा। लानत भेजता हूँ ऐसी जिंदगी पे, ऐसी कमाई पे। शर्म आनी चाहिए, पढ़िया लिखे आदमी है, वैसे ऑफर अच्छी है। छोटी रेड़ी छोटिया टायर वाली मैं तू लै देना अपने कोलो, अल्लाह जानदा 3 दिन टका के ला, तू आपे सानू दुआवां देगा। लानत भेजिए, आप भी किधरे टुर जाया कर, लानत ही भेजदा रे नाइल। बागी साहब, उन्होंने तुहाडे अगे 1,00,000 रुपया सुट्टे ना, तुसी आप रेड़ी च बह जाना। ला भी प्रोफेसर, अपनी कटिंग बिल्कुल छोटी छोटी करा लवे, फकीर वट ते पिया। बागी साहब, मैनू गुस्सा चढ़ रहा है। किस गल ते? बार बार तुहानू फकीर कह रहे ने। नहीं, अव्वल तो ये गदागर है, फकीर तो कहना ही नहीं चाहिए। फकीर और होता है, फकीर का कैरेक्टर तो बड़ा मिस्टेक सा है। एक बड़ी मशहूर किताब है रोजगार फकीर, ये किसके बारे में लिखी गई? अल्लामा इकबाल के बारे में उनके एक दोस्त ने लिखी कि ये तो एक फकीर था। सर, इंडिया में एक इंजीनियर ने बेकारीपना शुरू किया तो उसके अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। टोटल कितना पैसा लगा है इस शादी पे? तकरीबन को दोनों घरां दा मिला के साडा को 35 लाख रुपया लग गया है। दुनिया की सबसे महंगी शादी डायना और प्रिंस चार्ल्स की थी, 48 मिलियन पाउंड्स लगे थे। जाने बला पे केड़ा पाउंड हुंदा है? प्रिंस चार्ल्स तो जानते हो ना, केड़ा बड़ा उदास दोपहर अर्गा मुंह है। ए फकीर दी नहीं लग रही औरत, मैं मुंडे दी माँ पुत्र। ए जनानी है मेरी जनानी, मोहब्बत दी शादी। फकीर नी लगदी नहीं, ये फकीर नी कब ताया उनका। जिन्नी तेरी आवाज है अल्लाह जानदा, मंडी चला जा अपनी आड़त लै, खरबूजियां दे ट्रक वेच। मेरे एक कजन की आड़त है। हाँ, ते को अकल बंदी है। मोटा फकीर नहीं लगता वैसे। और तेरा बहनोई लगता। रबी प्रोफेसर, सिर्फ तेरा एक डेला कढ़ना 2,000 रोज का कारी करना। 2,000, 10,000। मेरे घर के सामने बैठे हो, मैं अभी यहाँ से उठवाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे साथ चलूंगा। लाही खैर भाग लगे रे। अरे ते प्यो दिया खैरा। हाँ, मैं जावोगे ठहरा। ओ मार भी सिद्धी गल कर। लाड़े दा प्यो वेख लो जिवें पत्थर हुंदा जे आ। ਸੌ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਮਰੇ ਲਾੜਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹੋ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਲਾੜੇ ਦਾ ਤਾਏ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤੇ ਵੀ ਫੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੀਕੀ ਜੁਗਤੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸੌਣੀਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੀ ਹੱਥ ਕਰੋ ਆਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਖੰਡ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਠੰਡਾ ਅੰਦਰ ਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਭੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਕਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਚੱਪਲੀ ਵੀ ਤੰਗ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਤੰਗ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਤੰਗ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੱਲ ਚ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਲਾਓ ਪਿਓ ਹੀ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਸਕੂਟਰ ਗਟਰ ਚੋਂ ਗੇਂਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲੀਅਰ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੱਥ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਮਰੇ ਢਾਈ ਖਾ ਲਓ ਜੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਛਿਪਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਸ ਲਾੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ खबर है कि ब्राजील में एटीएम को डायनामाइट से उड़ाकर कैश चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार बड़े टेक्निकल डाकू ने जी पकड़े भी तो गए ना फिर खूब जूते पड़े ऐसे अहमक हैं कि उनके पास कई किलोग्राम ये धमाका खेज मवाद बरामद हुआ यानी इतने पक्के मुजरिम थे उन्हें ये नहीं पता कि वो जो वारदात कर रहे थे वो सीसीटीवी में आ रही थी ऐसे आइडिया जिनको फिल्मों से मिलते हैं हाँ जी फिल्मों से मिलते हैं एक और वाक्या बड़ा मशहूर था कि एक बैंक डकैती की वारदात होने वाली थी जो इस साल पकड़ी गई है वो तारीख की सबसे बड़ी वारदात होती अगर पकड़ी ना जाती और वो भी ब्राजील में ही हुई है सौ पोलो इधर मतलब ब्राजील से ज्यादा चोर ही रहते थे बड़े जराम पेशा और बड़े करू एक तो होते उठाई गिरे छोटी चीज उठा ली जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर होते हैं इंडिया में होते हैं लेकिन वो है सिसिलियंस की तरह जैसे सिसली में बड़े लेवल के गैंगस्टर्स मॉस्को में जापान में यकूजा बहुत बड़े जराइम में इन्वॉल्व्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं अच्छा जराइम जिथे जिथे भी होते हैं बड़ी दिलचस्पी ना सुनाते हो तुम ये सारी गल अरे कौन लोग ने बकवास ना कर सी पहले चोरी फड़े गए हैं अच्छा ये दोनों एटीएम च गए सन वो गटर च गया सी इन्होंने एटीएम में पहले उसके साथ पंगे करते रहे जब कुछ नहीं कर सके तो उसके अंदर बॉम्ब फिट कर दिया बाहर निकल आया अच्छा तो मैं बाहर से अंदर सी ये भी सारा बाहर से सिर्फ मेरा मुंह अंदर सी तो बस जब चल गया ये तीनों फिर पैसे इकट्ठे करते रहे सारा कुछ सीसीटीवी में महफूज है तू भी बाबा इन्हां दे नाल नौ दा ज़ेवर बेचण आ लिया तुसीं कदी ब्राज़ील गए हो मैं असल च एक दफा गया सी जदों फुटबॉल दा वर्ल्ड कप होया उत्थे उत्थे एज़ ए फुटबॉल गए सर ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
असले केड़ा दही है असले लबेगा दही रात दे वेले नहीं मिल जाता है मिल जाता है जरा सा आगे जाओ थाने के साथ मिल जाएगी ठीक है जी बाबा जरा नड़े नवे डंग मारदा तेरा बेटा है कहना पहले जुगता कर लो फिर मैं बाबा जी वाकई दही लैन आए हो या घर मंजी मली गई है या मच्छर नहीं सौन दें मच्छर सौन दिता सियाणप देखो अपने सोहना बंदा कोई नहीं बिठाया